tenth expression for वेरिएशन ऑफ मास विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, या सिंपल वेलोसिटी भी लिखा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, रिलेटिविस्टिक वर्ड लिखा ही है. तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग. चलिए अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ मास विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी. चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, द मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी. जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि मास ऑफ बॉडी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होती है. जो रेस्ट में मास है वही हमारा वेलोसिटी के साथ मास है, चाहे कितनी ही वेलोसिटी क्यों ना हो. तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे. बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मास ऑफ बॉडी इन मोशन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास m of the body. तो जो बॉडी का मास है वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी नहीं है, बल्कि वेलोसिटी के साथ चेंज होता है. और चेंज भी कैसे होता है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है, ये आइंस्टाइन ने बोला था. तो जितनी आप टेक्स्ट बुक उठाएंगे उतने ही आपको उसके डेरिवेशन मिलेंगे. तीन तरीके के डेरिवेशन तो मैं पढ़ा चुकी हूँ अब तक. ये सबसे पहला डेरिवेशन है जो मैंने अब तक कराया है. तो शुरू के दो तीन साल मैंने इसको, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो ये कराते थे. इसमें हम क्या करते थे, दो बॉल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलाइड करते थे, फिर कंजर्वेशन लॉ और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से हम इसको ड्राइव करते थे. तो इसमें जो डेरिवेशन है ये थोड़ा लेंदी है और काफ़ी लेंदी एक्सप्रेशन आते हैं वेलोसिटी के, है ना. तो पहले शुरू के दो तीन साल मैंने ये कराया है, फिर पांच छह साल ये कराया है. ये वाला मुझे मेथड बहुत अच्छा लगता था. इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने ये एनिमेशन वाली वीडियो भी बनाई है, मतलब थोड़ा सा पिक्चर बनाया है. टू बॉल्स हैं, दोनों अलग अलग फ्रेम में हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और इस तरीके से मूव करती हैं कि दोनों बॉल कोलाइड करती हैं. ठीक है, और आफ्टर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में मूव, देखो ऐसे आती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं. फ्रेम, एक फ्रेम बॉल जो है एस फ्रेम में है और एक बॉल जो है हमारी एस डैश फ्रेम में है. और एस डैश फ्रेम हमने पीछे रख के दिखाया कि वो एस डैश फ्रेम जो है एस फ्रेम पे अप्रोच कर रहा है, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा कोलिजन के बाद भी. तो ये इस तरीके का था. इसमें इसको समझा, मतलब ये देखने में थोड़ा छोटा लगता है डेरिवेशन, बट इसे समझाने में काफ़ी टाइम लगता था. और ये भी अच्छा है, इसमें भी क्या करते थे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम और एनर्जी के लॉज लगा के हम इसको सॉल्व करते थे. लेकिन अब मैं ये भी, अब पिछले दो साल से मैं ये भी नहीं करा रही हूँ. अब मैं जो तीसरा मेथड है वो करा रही हूँ. ठीक है, इस मेथड के लिए खास बात ये है कि देखने में छोटा है, समझने में भी ईजी है, बट इसके लिए जो भी मैं लिखवाऊंगी एक एक चीज वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा हो गया डेरिवेशन, है ना. ये बहुत कम टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, ये ज्यादा जितनी भी आपको लाइब्रेरी में बुक्स मिल रही हैं उसमें तो नहीं मिलेगा, इजी नहीं मिलेगा. लेकिन ये भी अच्छा है, ये अभी दो तीन साल से करा रही हूँ तो अच्छा डेरिवेशन है ये छोटा सा. तो फिर ये करते हैं, ठीक है. और आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हो, मुझे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने ये कराया है तो आपको यही करना है. ठीक है, क्लास में आप अपने नोटबुक में या आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो तीनों में से. तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, फिर इस डेरिवेशन को समझना स्टार्ट करते हैं. वो सिंपल सा डेरिवेशन है. अभी तक हम दोनों उन डेरिवेशन में क्या कर रहे थे, दो बॉल ले रहे थे, उनको कोलाइड कर रहे थे. इस डेरिवेशन में हमने दो बॉल को भी रिप्लेस कर दिया, सिर्फ एक ही बॉल लेते हैं हम. बोलिए, मैं सुन रही हूँ. वेरिएशन ऑफ मास मैम रियल इफेक्ट है. हाँ जी बिल्कुल रियल इफेक्ट है. अब जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन की वो सारी वही पढ़ रहे हैं फिलहाल, जो रियलिटी में या कुछ ऐसे चीजें हो चुकी हैं, है ना. हम जो अभी हुई नहीं है वो वाली चीजें नहीं पढ़ रहे हैं.
मैम इसका प्रूफ भी प्रूफ प्रूफ ही तो करना है, डेरिवेशन ही तो करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे एग्जाम, वो निकाल के लाएंगे एक्सप्रेशन। चलिए तो द अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स द मास ऑफ बॉडी, मैं लिखना है? हाँ जी बिल्कुल, साथ साथ लिखते चलिए फिर इजी रहेगा, स्लाइड चेंज करने में आसान रहता है। ये चीज मैं बोल भी चुकी हूँ जो मैं अब लिख रही हूँ ना, कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो मास है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्वांटिटी है। द मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, does not change with velocity according to Newtonian mechanics, the mass of body does not change with velocity but according to Einstein according to Einstein the mass of the body in motion depends on the velocity of the body and is called relativistic mass m of the body. सेम जैसे अब तक करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है। टू फ्रेम कंसीडर करेंगे, ठीक है, एस एंड एस डैश, एस को रेस्ट में ही रखेंगे, एस डैश फ्रेम को मूव कराएंगे, ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक कर रहे हैं। क्या करा, टू फ्रेम कंसीडर किए, एस एन एस डैश, एस डैश को वी वेलोसिटी से मूव कराएंगे, एस फ्रेम हमारा रेस्ट में ही होगा। टू ऑब्जर्वर होंगे ओ एन ओ डैश, एक फ्रेम एस डैश में है एक फ्रेम एस में है। अब क्या करेंगे हमें, क्योंकि जो है मास कंसीडर करना है, मास का रिलेशन चाहिए, तो हम एक ऐसी बॉडी ले लेंगे जिसमें मास होगा, ठीक है, आप किसी भी फ्रेम में रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे, एस डैश में भी रख सकते हैं, एस में भी रख सकते हैं, मैंने एस में ले लिया, ठीक है, एक बॉल ले ली जो फ्रेम एस के अंदर है, आप चाहे उसको एस डैश में रख के भी कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा आपको क्या चेंज करना है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक बॉल ली और बॉल को फ्रेम एस में कंसीडर कर लिया, एक बॉल है जिसका मास, ठीक है, अब इसके मास की और इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको जब लैम्प कॉन्ट्रैक्शन समझाया था, जब टाइम डायलेशन समझाया था, वही कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसमें जो भी चीजें हम मेजर करेंगे वो प्रॉपर होगी, मतलब रियल होगी, और दूसरे फ्रेम से हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो अपेरेंट होगी या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने बॉल को फ्रेम एस के अंदर रखा, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी हम नोट करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, वहीं पे जब हम ऑब्जर्वर ओ डैश ऑब्जर्व करेगा या फ्रेम एस डैश से ऑब्जर्व करेंगे वो अपेरेंट या नॉन प्रॉपर हो जाएंगी,
ठीक है, वहीं पे अगर ये बॉल में फ्रेम एस की जगह एस डैश में रख देती तो एस डैश में सारी क्वांटिटी प्रॉपर हो जाती, यानी ओ डैश जो ऑब्जर्व करता वो सारी प्रॉपर क्वांटिटी ऑब्जर्व करता और ओ ऑब्जर्वर तक नॉन प्रॉपर करता। बट अभी हमने जो हमने केस लिया है इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्वर ओ है वो प्रॉपर चीजें नोट करेगा और ऑब्जर्वर ओ डैश नॉन प्रॉपर करेगा। तो जैसे इस बॉडी का मास एम नॉट है ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ, हमने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट इसने जो टाइम में किया वो किया डेल्टा टी नॉट, प्रॉपर टाइम है ना, जो एक्चुअल टाइम है कि इतना टाइम इसको ऊपर जाने में बॉल को लगा इतना डिस्प्लेसमेंट होने में। तो फिर से सुनिए, एक बॉल ली जिसका मास था एम नॉट बाय ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ, हमने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डेल्टा वाई हुआ, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट इसने डेल्टा टी नॉट टाइम में किया। वही ऑब्जर्वर ओ डैश क्या करेगा, उसको इसका मास बॉल का एम दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में है वो डेल्टा वाई डैश दिखाई देगा, और जो टाइम इसने लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्प्लेसमेंट करने में वो डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार मोमेंटम फ्रेम एस के अंदर निकालेंगे इस बॉल का, एक बार मोमेंटम इन फ्रेम एस डैश निकालेंगे कि एस डैश से जो ऑब्जर्वर इस बॉल को देख रहा है उसको कितना मोमेंटम लगा, और फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ऑल द फंडामेंटल लॉज हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तो उस कंसेप्ट को यूज करके हम दोनों मोमेंटम के एक्सप्रेशन को इक्वल कर देंगे, और फिर आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि दो या तीन स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने यहाँ जो बनाया है इसको लिख लेते हैं कि हमारे टू फ्रेम्स हैं एस एंड एस डैश, ऑब्जर्वर दो हैं ओ एंड ओ डैश, एस फ्रेम हमारा रेस्ट में है और एस डैश फ्रेम हमारा मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। फिर इस बॉल की बात कर लेंगे, ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिए या साथ में पहले लिख लीजिए, क्या लिखें, कंसीडर, पहले लिख, हाँ ठीक है तो लिख लेते हैं, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश, एस इज एट रेस्ट, एंड एस डैश is moving and s dash is moving with velocity v and s dash is moving with velocity v in positive x direction with respect to S dash. Consider two observer O and O dash in frame S and S dash respectively. फिर अभी बॉल की बात करेंगे दोनों फ्रेम में, वो नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी, पहले इतना नोट कर लीजिए, क्या कहा कि टू फ्रेम कंसीडर किए, एक रेस्ट में है, एक हमारा v velocity से x direction में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S dash, और टू ऑब्जर्वर है O and O dash, और ये डायग्राम बना लीजिए। टू फ्रेम बना के एक बॉल हमने किसी एक फ्रेम में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। मैं फ्रेम एस में करके देख रही हूँ, आप चाहे तो साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी करके देख सकते हो कि आप एस डैश में रख ले, उसी अकॉर्डिंग फिर लैंग्वेज चेंज करते जाइएगा जो मैं कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो बॉल है उसको फ्रेम एस में रखा है, तो इसलिए जो ऑब्जर्वर ओ है वो इसकी प्रॉपर क्वांटिटी ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए उसने उसका जो मास नोट किया वो एम नॉट किया, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में उसने डेल्टा वाई ऑब्जर्व किया, और डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट उसने डेल्टा टी नॉट टाइम में ट्रेवल किया। वहीं पे जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसको इसका मास एम दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई डैश दिखाई दे रहा है,
और जो टाइम वो उतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो डेल्टा टी टाइम में कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉल कंसीडर की है तो उसके बारे में लिख लेते हैं। लेट अ बॉल, लेट अ बॉल हैविंग मास एम नॉट। तो अगर मैं मास एम नॉट लिख रही हूं तो अभी क्योंकि मैंने फ्रेम एस के अंदर लिया है तो यानी कि अब मैं फ्रेम एस की बात कर रही हूं। लेट अ बॉल हैविंग मास एम नॉट इज थ्रोन वर्टिकली, इज थ्रोन वर्टिकली ऑफ डिस्प्लेसमेंट of displacement delta y. In time interval ये सारे चला गया। Let a ball having mass m naught is thrown vertically of displacement delta y in time interval डेल्टा टी नॉट इन फ्रेम एस देयरफॉर मोमेंटम ऑफ बॉल इन एस इक्वल टू पी से डिनोट कर रही हूं, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पी इक्वल टू, अब फ्रेम एस के अंदर बॉल का मास कितना है एम नॉट, और बॉल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डेल्टा वाई है ना, और टाइम कितने टाइम में कर रहा है डेल्टा टी नॉट। इक्वेशन वन, जैसा हमने इक्वेशन वन निकाला है फ्रेम एस के अंदर, सेम ऐसा ही हम एस डैश फ्रेम के अंदर इक्वेशन निकाल लेंगे मोमेंटम का। सेम इवेंट इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश from S dash and he recorded भी लिख सकते हैं, noted भी लिख सकते हैं या observed भी लिख सकते हैं। he recorded the vertical displacement delta y dash in time interval delta t of ball having mass m. So the momentum momentum of ball in frame S इससे ऊपर वाली लाइन में डेल्टा टी आएगा ना, ऊपर वाली में डेल्टा टी वो छूट गया था मैम, उसमें डेल्टा टी नॉट आएगा मैम। पहले वाले में डेल्टा टी नॉट ही तो लिखा है, तो पहले वाले में डेल्टा टी हाँ, तो मुझे बताओ ना, यहाँ पे डेल्टा टी है, ऊपर वाले में डेल्टा टी नॉट है। डेल्टा टी ध्यान देखिए,
सही है, मैंने सोचा डेल्टा टी डैश लिखा जाएगा। नहीं नहीं अगर टी, मैंने क्या कहा आप टी डैश लिख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या करना है एक फ्रेम में दोनों फ्रेम का टाइम अलग अलग, हमें टाइम डायलेशन यूज करना है। तो अगर आपने वहां पे, क्योंकि मैंने वहां पे डेल्टा टी डैश की टर्म्स में नहीं कराया था जब मैंने टाइम डायलेशन कराया था, है ना, मैंने डेल्टा टी और टी नॉट की टर्म्स में कराया था, इसलिए मैं यहाँ डेल्टा टी ले रही हूँ। अगर आप डेल्टा टी डैश और टी नॉट की टर्म्स में कर रहे हैं तो आप इसको टी डैश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको वो नोटेशन यूज नहीं किया इसलिए फिर मैंने उसको डेल्टा टी ही लिखा है। मैंने भी डेल्टा टी लिखा था, मैं पीछे देखा नहीं मैंने। हाँ ठीक है चलिए। तो फिर तो पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो उस केस में मास एम है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन टू। नहीं कुछ बच्चे बुक्स भी पढ़ते हैं ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि बस जिस फ्रेम में है ऑब्जेक्ट उस फ्रेम में प्रॉपर है, दूसरे फ्रेम में नॉन प्रॉपर है। नॉन प्रॉपर को हम नॉर्मली टी एल से डिनोट कर रही हूँ, आप चाहे तो डैश की फॉर्म, लेकिन डैश में फिर कंस्ट्रेंट लग जाता है कि अब ये डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही है, तो फिर वहां पे फिर वो दिक्कत हो जाती है। मान लिया अभी तो मैंने क्योंकि फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में ये वाला इक्वेशन टू लिखा है, लेकिन अगर मैं बॉल को इंटरचेंज कर दूं, मैं फ्रेम एस में रख दूं, तो फिर ये डेल्टा वाई हो जाएगा, फिर वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा, है ना। फिर वो नोटेशन इसलिए ऐसी लो कि कहीं पे भी रख लो बॉल, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। आप किसी भी फ्रेम में रख लीजिए, ये हमारा हर फ्रेम के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन टू आ गई। okay. अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट आप जिस एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, अब हमारे केस में जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो सब फ्रेम्स के लिए वैलिड है। जब हम टी डैश और टी के टर्म्स में लिखते हैं तो फिर वो कंस्ट्रेन लग जाता है कि अब हमारा ये टी डैश फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में ही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है फिर समझने में। चलिए तो अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट, लिख नहीं रही हूँ पोस्टुलेट, बोल दे रही हूँ आपको पता भी है। ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ द फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये जो फॉर्म होती है वो सब सेम होती है। तो मोमेंटम इन फ्रेम एस इक्वल टू मोमेंटम इन फ्रेम एस डैश, मोमेंटम इन फ्रेम एस, मोमेंटम ऑफ बॉल लिख देती हूँ, मोमेंटम ऑफ बॉल इन फ्रेम एस इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल इन फ्रेम एस डैश। तो इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करके फिर सॉल्व करके देखिए इनकी वैल्यूज पुट करके, यानी कि हमें क्या करना है पी इक्वल टू पी डैश कर। तो अब हमें क्या करना, हाँ तो अब हमें क्या करना है पी और पी नॉट पी डैश की वैल्यू रखनी है। तो पी हो गया एम नॉट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी नॉट इक्वल टू एम डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन थ्री। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा, हमें क्या चाहिए एम और एम नॉट में रिलेशन चाहिए, तो बाकी सारी चीजें हम चाहते हैं हट जाए। तो y और y डैश में कोई रिलेशन पता हो और t नॉट में कोई रिलेशन पता हो, ऐसा है कोई? पहले y की बात करते हैं, y और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, नहीं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, देखिए नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन, टाइम डायलेशन वाला तो ठीक है कि डेल्टा t नॉट और t में आ जाएगा, मैं y की बात कर रही हूँ। तो y के लिए कंस्ट्रेंट एक बात सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन होता है, और हमारा s डैश फ्रेम x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और जबकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट करा रखा है वो y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, जीरो होगा, बस हो गया सब पढ़ाया लिखाया, सब सेम होगा, हाँ सेम होगा। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी जब हम एक्स डायरेक्शन में मोशन कराते हैं तो बाय पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो जब कोऑर्डिनेट, हाँ जब कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो सेम होगा,
तो मतलब y डायरेक्शन में दोनों ऑब्जर्वर सेम डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रेम s डैश है वो x डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ये मैंने कई बार बोला है लेंथ कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाते हुए भी, और कई बार मैं रिपीट भी करती हूँ, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन होता है, बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लेंथ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है. तो हमारा जो फ्रेम एस डैश है वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमने बॉल को थ्रो किया तो वर्टिकल डायरेक्शन दोनों फ्रेम से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा वाई और वाई डैश सेम होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई डैश, एंड टी ओ टी डैश का हम बता ही चुके आप लोग जो है कि फ्रॉम टाइम डायलेशन रिलेशन. टाइम डायलेशन फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, इक्वेशन फाइव. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फोर और फाइव से वैल्यूज इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे और सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव, या हम लिख सकते हैं लैंग्वेज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई डैश और वाई एंड डेल्टा टी इन इक्वेशन थ्री. हाँ, वैल्यूज पुट करके बताइए कितना आ रहा है. हाँ, कितना आया बताइए. हाँ जी, बिल्कुल सेम जैसा हमारा टाइम डिलेशन का रिलेशन आ रहा है वैसा सही आएगा. एम नॉट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी नॉट तो ऐसे ही रखा, एम डेल्टा वाई डैश की जगह डेल्टा वाई लिख सकती हूँ, अपॉन डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी नॉट, और ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर. ठीक है, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कि जो ऑब्जर्व मास है वो किसके बराबर है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. और इस एक्सप्रेशन से क्या क्लियर हो रहा है, कौन सा मास ज्यादा है और किस तरीके से मास डिपेंडेंट है. बताइए मुझे. और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज, हाँ जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे m इंक्रीज होगा, बढ़ेगा होगा. हाँ बढ़ेगा. ठीक है, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं वेयर m नॉट, हम क्या बोलते हैं m नॉट को, हम रेस्ट मास बोलते हैं. अब रेस्ट मास का मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि रेस्ट मास का ये मतलब कौन सा मास है, m इफेक्टिव मास है कि ऑब्जर्वर और फ्रेम हमारा दोनों अलग अलग फ्रेम में है, जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जर्वर है दोनों अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो हमारा एम जो है इफेक्टिव मास होता है. और फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर एम इज ग्रेटर देन एम नॉट एंड मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, या रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी. ये मास की जगह हम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिलेटिविस्टिक मास, है ना, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन वेलोसिटी. चलिए अब इससे रिलेटेड एक अच्छा, हाँ अभी मेरे से कोई पूछ भी रहा था कि मैम जो है इसका कोई कंफर्मेशन है कि ये होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ई बाई एम एक्सपेरिमेंट, है ना. तो एक्सपेरिमेंट आप जो है क्या कर सकते हो, गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हो कि मास जो है बॉडी के साथ इंक्रीज होता है और ई बाई एम एक्सपेरिमेंट,
उसको पढ़ सकते हो। तो उसमें यही दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब उसमें मूव कराते हैं और फिर उसका जो ई बाय एम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास का वेरिएशन देखते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करके, तो वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा साइक्लोट्रॉन होता है, उसमें भी हम फिर यही है इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराते हैं और फिर यही देखते हैं, तो वहां पर भी यही आता है कि एम जो है इंक्रीज हो जाता है जब हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे इससे रिलेटेड ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और वो आपको करना है। शो दैट क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा है, इससे रिलेटेड है। शो दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। वीडियोज ऑन नहीं करिए, हो गया है डिस्कशन कि जिसने भी वेरिएशन ऑफ मास लेके करा है उन सबका ठीक है, तो मैं एक बार पीपीटी शो कर रही हूँ, आप लोग अपना वीडियो क्लोज कर लीजिए अब। हाँ ये ठीक है आपका, शुभम आपका भी ठीक है, शुभम ठीक है, अब इसको क्लोज कर लीजिए। चलिए तो मैं दिखा देती हूँ एक बार, तो जिसने भी ऐसे किया है, ये तो केसेस बोले थे मैंने कहा कर लेना जैसे टाइम डायलेशन के हैं। तो वेरिएशन ऑफ मास से m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होता है, रेस्ट मास होता है m नॉट इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और जो फोटोन है फोटोन की वेलोसिटी होती है v इक्वल टू c, तो m नॉट इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। हाँ ये इस तरीके से करना है।